नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। फ्रेंड्स, द IMF सीज इंडिया एज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। द वर्ल्ड बैंक सेज दैट इंडिया इज इन ए बेटर पोजिशन टू डील विद ग्लोबल हेडविंड्स देन मैनी अदर कंट्रीज। दिस इज बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. According to Morgan Stanley, India is moving towards becoming the world's third largest economy in the next 4-5 years. The CEO of McKinsey had said that this is not only India's decade, but India's century. Institutions and credible voices that track the global economy have unprecedented confidence in India. The same optimism is also shared by global investors. Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. Today, India is receiving record-breaking FDI. Even your presence among us reflects this sentiment. Friends, this optimism for India is driven by strong democracy, young demography, and political stability. Due to this, India is taking decisions that boost ease of living and ease of doing business. Even during a once-in-a-century crisis, we took the path of reforms. India has been on the path of reform, transform, and perform since 2014.
आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज इंपार्टेड ग्रेटर मोमेंटम टू इट. एज अ रिजल्ट इंडिया हैज बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. साथियों, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है. देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं. आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है. बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, आईबीसी जैसा मॉडर्न रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाना हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, कॉरपोरेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन देना हो, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं. आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है. हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है. दर्जनों लेबर लॉज को फोर कोर्ट्स में समाहित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है. साथियों, कंप्लायंसेस के बोझ को कम करने के लिए और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं. बीते कुछ समय में करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है. हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिससे मध्य प्रदेश भी जुड़ चुका है. इस सिस्टम के तहत अभी तक लगभग 50,000 स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं. साथियों, भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है. 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है. इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है. भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है. भारत
दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। इसी लक्ष्य के साथ हमने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू भी की है। साथियों, भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर वन है, भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर वन है, भारत आईटी बीपीएन आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर वन है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है, भारत के बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है ये आप भली भांति जानते हैं। भारत एक तरफ गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है, वहां तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। 5G से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर AI तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं वो भारत में विकास की गति को और तेज करेंगे। साथियों, इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंसेंटिव की घोषणा की जा चुकी है। ये स्कीम दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स में पॉपुलर हो रही है। इस स्कीम के तहत अब तक अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस स्कीम की वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश आया है। एमपी को बड़ा फार्मा हब बनाने में, बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने में इस योजना का भी महत्व है। मेरा एमपी आ रहे इन्वेस्टर से आग्रह है कि PLI स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांक्षा से भी जुड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन को स्वीकृति दी है। ये लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक अवसर है। हजारों करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स की व्यवस्था इन अभियानों के तहत की गई है। आप इस महत्वाकांक्षी मिशन में भी अपनी भूमिका जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, न्यूट्रिशन हो, स्किल हो, इनोवेशन हो, हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। ये भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। इसलिए आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समिट को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश का सामर्थ्य, मध्य प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगति में 2 कदम आगे चलेंगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।